What is up guys, मेरा नाम है आदित्य और आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं रोज़ गार्डन। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम रोज़ फेस्टिवल देखने जाने वाले हैं। वहाँ आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा वो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं भी पहली बार ही जा रहा हूँ। लेकिन किंतु परंतु बंधु, पेंटिंग की एग्जीबिशन देखने को ज़रूर मिलेगी। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम जल्दी से अपनी बस पकड़ लेते हैं 17 सेक्टर के लिए। दोस्तों, हमने अपनी पहली बस मिस कर दी है और हमारी जो सेकंड बस है वो अभी आएगी आधे घंटे बाद। तो फाइनली बस हमें मिल चुकी है और हमने मास्क भी लगा लिया है। बाकी आप देख सकते हैं कि बस बिल्कुल ही खाली है, तो हम जल्दी ही पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, हम रोज गार्डन के बिल्कुल सामने उतरे हैं और अंदर जाने से पहले कर लेते हैं थोड़ी पेट पूजा। तो दोस्तों, अभी हम अंदर एंटर हो चुके हैं और देखते हैं हमें आगे क्या कुछ देखने को मिलता है। तो दोस्तों, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, यहां पर फूलों से बने आर्टवर्क्स और प्लास्टिक के स्टैचूज हैं। बाकी हम आगे चलकर देखते हैं। सो फ्रेंड्स, आई वांट टू टेल यू वन मोर थिंग। This Rose Festival is dedicated to Corona Warriors. और आज उनको सम्मानित किया जा रहा है, तो हम भी चलते हैं अपना योगदान देने। शहरवासियों को अब सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप सब इसका आनंद भी ले रहे हैं और इस गार्डन को स्वच्छता और सुंदरता बनाने के लिए जिस तरह से हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट काम कर रहा है, और उम्मीद के साथ कि आने वाले साल में इसको हम और बेहतर तरीके से करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इनके बाद महेंद्र मिश्रा जी, कृपया तालियों की गूंज बनाए रखें। कोरोना काल में इन्होंने बहुत। दोस्तों, ये प्रोग्राम काफी लंबा टाइम चलेगा, तो हम बढ़ते हैं अपने आगे के सफर पर। दोस्तों, आप इस आर्टवर्क को देखिए, ये गिलहरी है या फिर ड्रैगन है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको आ रहा है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए।
आसमान में रेनबो तो हर किसी ने देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने ज़मीन पर भी रेनबो देखा है? जी हाँ दोस्तों, अगर नहीं तो ये देखिए। यहाँ पर चल रही है ऊँट की सवारी, और दोस्तों अगर आपने भी कभी ऊँट की सवारी करी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी पेंटिंग की एग्जीबिशन तो रात को स्टार्ट होगी, तो तब तक हम एक चक्कर लगा कर आते हैं सेक्टर 22 की मार्केट में, जो कि यहाँ से काफ़ी पास ही में है। दोस्तों कोरोना के टाइम पे भी यहाँ पर इतनी भीड़, इसलिए हम वापस ही आ गए। दोस्तों जाते जाते यहाँ हमें बहुत ही खूबसूरत चीज देखने को मिली है, ये छोटा सा मंदिर। और इस आर्टवर्क को देखिए जो इस मंदिर में बना हुआ है, होप कि आपको भी ये जरूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों अभी टाइम काफी हो चुका है और चलते हैं अभी एग्जीबिशन वाली साइड। दोस्तों एग्जीबिशन हॉल में तो हम एंटर कर चुके हैं, लेकिन हमारे कैमरा की बैटरी काफ़ी डाउन हो चुकी है, तो अभी मेरा बोलना बंद और एग्जीबिशन शुरू।
तो दोस्तों यहाँ पर एग्जीबिशन के साथ साथ एक टैलेंट शो भी चल रहा है। बैटरी डाउन होने की वजह से ज़्यादा टाइम तो हम आपको दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन जाते जाते एक झलक तो दिखा के जाएंगे। सो दोस्तों इस वीडियो को शूट करने में हमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है और बहुत ज़्यादा टाइम लगाया है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे बिना बोले ही वीडियो को लाइक भी कर दोगे और सब्सक्राइब किए बिना तो जाओगे ही नहीं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।